घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर रहें, जिससे कि आप खुद को भी सेफ रख सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। प्लीज प्रॉपर प्रिकॉशन लें, जैसे कि अपना हाथ रेगुलरली धोएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और साथ ही साथ अपने हाथ से अपने नाक और आंखों को ना छुएं। जब जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और जब घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें। और आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है दाल तड़के की रेसिपी, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस दाल तड़के की रेसिपी को बनाया है, तो वैसे ही आप चाहें फॉर अ चेंज तो कभी भी एक सिंपल डिश जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते इसमें, इसे आप बना सकते हैं। और राइस या चपाती जिसके साथ भी आपको मन करे आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम जो अपना दाल तड़का की रेसिपी है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दाल तड़का की रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो चना दाल लिया है और इसे हमने रात भर भिंगो लिया है अच्छे से पानी में। साथ ही साथ हम एक बड़ा प्याज लेंगे जिसे हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। दो टमाटर लिए हैं हमने, इसे भी हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। चॉप्ड अदरक 1 टेबलस्पून के अप्रोक्स, 2 टेबलस्पून के अप्रोक्स हमने लहसुन लिया है, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें, जैसा कि आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। तो बाकी मसाले और जो कुछ भी मैं ऐड करूंगा इसमें वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए हम अपना जो तड़का है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक प्रेशर कुकर इंडक्शन पे अपने रख लिया है और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा चना दाल था जिसे हम भिंगो के रखा था हमने, उसे हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, जितना हमारा दाल है उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसे हम लगा देंगे और हम अपने इंडक्शन कुक करेंगे ऑन और इसे हम 2 वेसल्स तक प्रेशर कुक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चना दाल को 2 सीटी लगा दिया है अच्छे से और जो हमारा दाल है वो काफ़ी हद तक पक चुका है। ये अब टूटता बट मुझे जो ये चना दाल है वो थोड़ा खड़ा पसंद है, आप चाहते हैं वो गले आप इसे प्रेशर कुकर में 1 वेसल तक और प्रेशर कुक कर सकते हैं। तो जो हमारा चना दाल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो चना दाल है हमारा उसे हम साइड रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक पैन ले लेंगे अपने इंडक्शन पे और अपने इंडक्शन को कर लेंगे ऑन और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल अराउंड 2.5 टेबल स्पून के अप्रॉक्स। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में, घी में, जिसमें चाहें आप उसमें इसे बना सकते हैं। और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, ये 1 टेबलस्पून के अप्रॉक्स जीरा लिया है हमने। फ्लेम को हल्का कम कर लेंगे और अपना जीरा जो है हमारा उसे हम अच्छे से चटकने देंगे इसमें। और तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है ये, और 1 तेज़पत्ता, इसे हम बीच से तोड़ के इसमें ऐड कर देंगे और सारा कुछ को अच्छे से हम इसमें मिला लेंगे। और इसे स्टर करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप लहसुन, जो लहसुन हमने चॉप किया था उसे, चॉप अदरक, और इसे अच्छे से हम इसमें स्टर कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं बट मुझे इसका जो टेस्ट है खराब वो थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें खरा ऐड कर रहा हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप अनियंस और इसे इसमें ऐड करने के बाद इसे हम एक अच्छा स्टर दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने प्याज को और अदरक लहसुन जो भी हमने इसमें ऐड किया है उसे हम मीडियम फ्लेम पे अराउंड 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे पहले। तो चलिए, और इसे हम हर 1 मिनट में एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से इवनली ब्राउन हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्याज है जो हम भून रहे थे वो आधा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे जो टमाटर हमने चॉप किया था उसे और साथ ही साथ हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही हमने इसमें टमाटर ऐड किया, हम इसमें ऐड करेंगे
हाफ टेबल स्पून के अप्रॉक्स सॉल्ट, और इसे अब हम अच्छा एक स्टर दे देंगे। और फ्रेंड्स इसे स्टर करने के बाद हम इसे लेड से कवर कर देंगे, और कवर करके इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से गल ना जाए। तो चलिए हम पहले अपने टमाटर को अच्छे से गला लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इसे हम हर 1 से 1.5 मिनट में हटा के एक बार अच्छे से जो हमारा टमाटर हमने इसमें ऐड किया है उसे स्टर कर लेंगे, ताकि जो हमारा प्याज टमाटर है वो पैन में चिपके ना। और इसे स्टर करने के बाद वापस हम इसे लिड से कवर कर देंगे और अगेन 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही इसे पकने देंगे। तो इसे हम एक स्टर दे देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून के अप्रॉक्स हल्दी, 1/2 टेबल स्पून के अप्रॉक्स रेड चिली पाउडर, 3/4 टेबल स्पून के अप्रॉक्स कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये ज़्यादा तीखा नहीं रहेगा, ये कलर के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। और इसे हम अच्छे से स्टर कर लेंगे, अगेन इसे हम लेड से कवर कर देंगे, और लेड से कवर करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके पकाएंगे। और फ्रेंड्स इसे हम एक बार अनकवर करेंगे, और अनकवर करने के बाद हम इसे स्टर कर लेंगे प्रॉपरली। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून के अप्रॉक्स जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के अप्रॉक्स धनिया पाउडर, और इसे हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसमें हम बिल्कुल ही थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो नीचे स्टिक कर रहा है पैन में, और इसे हम अच्छा स्टर दे देंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम बीच बीच में स्टर करते रहेंगे, और इसे स्टर करते करते हम 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मसाला है, जो टमाटर और प्याज हम सॉटे कर रहे थे इतने देर से, वो हमारा कम्प्लीटली सॉटे हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो दाल हमने बॉईल किया था वो, और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून के अप्रॉक्स सॉल्ट और ऐड कर देंगे, और इसे हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पानी है इसमें वो बहुत कम है, तो थोड़ा सा इसमें हम और पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा दाल है वो अच्छे से, जो बचा खुचा कसर है वो इसमें पक जाए। अगर आप चाहें इसे चावल राइस के साथ खाना है आपको, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को, ग्रेवी कंसिस्टेंसी को बढ़ा सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं इसे सेमी ड्राई रखूँगा, साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून के अप्रॉक्स गरम मसाला पाउडर, और इसे भी हम एक बार और अच्छे से स्टर कर लेंगे। सारा कुछ मिक्स करने के बाद वापस इसे हम लेड से कवर कर देंगे, और लेड से कवर करने के बाद हम फ्लेम को हल्का मीडियम करते हुए इसे आराम से 10 मिनट्स तक आराम से इसमें बॉईल होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो तड़का है वो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए कवर करके, तो इसे एक बार हम स्टर कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप धनिया, और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। इसे हम अच्छे से इसमें स्टर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल ही बनकर तैयार हो गया है। तो हम अपने इंडक्शन को कर देंगे बंद, और जो हमारा तड़का है उसे एक बाउल में सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल ही बनकर तैयार हो गया, और मैंने इसे थोड़े से हरे धनिए के साथ गार्निशिंग भी कर दिया है। तो आपके पास जब भी टाइम हो आप मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली के साथ बनाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी बताई हुई ये तड़का की रेसिपी कैसी लगी।